दर्दनाक खबर हम आपको बता रहे हैं। सांसें रोकने की दर्दनाक खबर पर लोगों को डीएम साहब गुमराह करते हुए नजर आए। सीएम साहब इंसेफेलाइटिस रुका नहीं, लोग ऑक्सीजन की कमी से भी मर रहे हैं। बीआरडी में अभी भी भारी किल्लत बनी हुई है, यानी अभी भी कोई चेतने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी कोई जागने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी कोई नींद से उठने के लिए तैयार नहीं है और लगातार ये कमी बनी हुई है। देर रात ऑक्सीजन खत्म होने से 30 लोगों की जान चली गई। प्रशासन की लीपापोती लगातार जारी और इतिहास ही ऐसा रहा है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज का। 2012 में भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी, उस वक्त की सरकार की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया गया था चीजों को दुरुस्त करने के लिए। मीडिया की तरफ से जब सवाल उठाए गए तो मीडिया को भी खामोश करने की कोशिश हुई और अब एक बार फिर से लापरवाही बीआरडी के सामने आई है, जहां पर ऑक्सीजन खत्म होने के चलते 30 लोगों की जान चली गई। सवाल पैदा होता है, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, कौन लेगा जिम्मेदारी 30 मरीजों की मौत की? परिजन जो इस बात से अनजान है, जो इस हकीकत से अनजान है कि उनके अपनों की जिंदगी के साथ आखिर किस तरीके से खिलवाड़ किया गया। आपको बता दें 9 अगस्त को सीएम गोरखपुर गए थे तो गोरखपुर के सीएमओ को शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, गोरखपुर के सीएमओ को शर्म नहीं आती। जैसे समाचार प्रेस के साथ बातचीत में उन्होंने झूठ बोला, गुमराह करने में जुटे हैं सीएमओ रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, 30 लोगों की मौतों को छुपाने में जुटे हैं सीएमओ रविंद्र। सीएमओ और डीएम का झूठ बेनकाब करना होगा ताकि ऐसी लापरवाही फिर ना हो, फिर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। 48 घंटों में 30 मौतें, देश की सबसे दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक मरीज दम तोड़ते चले गए और प्रशासन का दिल नहीं पसीजा, सांसें थमती रहीं, ऑक्सीजन के लिए मरीज तड़पते रहे, लेकिन अस्पताल की चार दीवारी में मरीज ऑक्सीजन का इंतजार करते रहे, लेकिन नहीं पहुंची ऑक्सीजन और नहीं पसीजा प्रशासन का दिल, डॉक्टर्स का दिल। नतीजा ये कि 48 घंटों में एक के बाद एक 30 मरीजों की मौत होती चली गई और उस पर सीएमओ का झूठ, शर्म नहीं आती सीएमओ साहब को 30 मौतों पर झूठ बोलते हुए। लीपापोती करने में जुटे सीएमओ रविंद्र कुमार श्रीवास्तव समाचार प्रेस के साथ बातचीत में झूठ बोला, झूठ बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, खबर झूठी है। सीएमओ साहब को शर्म नहीं आती, आखिर 30 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन? 48 घंटों में 30 मौतें हुई हैं। आपको बता दें 9 तारीख को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां होकर आए थे, उसके बावजूद भी चीजें नहीं सुधरी। आखिर क्या और मौतों का इंतजार है? डॉक्टर्स खुद मान रहे हैं कि यहां एक एक बेड पर 5-5 लोगों को भर्ती किया जाता है और ऊपर से बड़ी लापरवाही, जहां प्रचार है जिला प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन का अरेंजमेंट नहीं किया गया। नतीजा बखूबी जानते थे कि आखिर होगा क्या, मरीजों की जान जाएगी, परिणाम जानते हुए, नतीजा जानते हुए भी ये लापरवाही होने दी गई। नतीजा मरीजों की सांसें थमती रही और जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन हाथ। देखिए पूरे शहर में एक जो क्योस बना हुआ था कि मेडिकल कॉलेज में कोई व्यवस्था को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर काफी बच्चों की काफी बच्चे एक्सपायर कर गए हैं, तो उसी सिलसिले में मैं भी यहाँ मेडिकल कॉलेज में देखने आया। ये दुर्भाग्य है, निश्चित तौर पर आप जानते हैं कई वर्षों से हम लोग लेकर इंसेफ्लाइटिस को लेकर संघर्ष करते रहे हैं परमादरणीय महाराज जी के नेतृत्व में। कल से जो एक आया है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, तो लेकिन जो मैंने निरीक्षण किया और मैंने देखा, कल करीब 23 लोग और 11 तारीख को 7 लोग, 30 लोगों की जो है, मतलब जो मुझे बताया गया सीएमओ और डॉक्टरों के मार्फत, वो 30 लोगों की, बच्चों की मौत हुई है। मैं बता तो रहा हूँ कल रात से लेके अभी तक की। मेरी बात पूरी जान दीजिए, फिर आप अपना पूछ लीजिएगा। लेकिन जो मैंने देखा है कि प्रतिदिन करीब 7-8 या 10 कह लें इंसेफ्लाइटिस से लोग मेडिकल कॉलेज में मरते रहे हैं और ये सीजन भी इसमें ही दिक्कत होती है। व्यवस्था की कहीं ना कहीं है कमी मेडिकल कॉलेज में, एक एक बेड पर 4-4, 5-5, ये बात हमेशा हम लोग कहते रहे हैं। और हमारे भी आए थे, उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करके अच्छा हम इसको आईसीयू और एनआईसीयू बच्चों के लिए जो दिक्कतें आई हैं उनके नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं। उन्होंने कहा है कि हम व्यवस्था बनाएंगे। सरकार का एकदम मंशा स्पष्ट है कि व्यवस्था जो कम है उसको जल्द से जल्द हम अपग्रेड करें ताकि ये
दिक्कत जो है भविष्य में न आए। इंसेफ्लाइटिस हुई है टोटल? नहीं देखिए, पूरी मौत इंसेफ्लाइटिस से नहीं कहेंगे। इसमें जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जो बच्चे आते हैं, वो सबसे ज्यादा संख्या इसमें मरने की है, जो शाम को 7 बजे से लेकर अभी तक जो बातें आ रही हैं। और वो न्यू बॉर्न बेबी जो है वो कई कारणों से भी हो सकता है, मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन की कमी से भी मौत हो सकती है। और जो न्यू बॉर्न बेबी है वो जैसे जल्दी पैदा हो जाते हैं, पानी पी लेते हैं या लेट रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसके बाद में पता चलता है, तो कई कारण से ये मौत हो सकती है। वो जांच का विषय है। मैं निश्चित तौर पर अभी अधिकारियों से बात कर कि ये जो मौत की संख्या जो बड़ी है, जो पूरे शहर में ये हल्ला है कि ऑक्सीजन की वजह से हुई है, तो निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है। जांच करने के बाद अगर ये कमी पाई जाती है तो सख्त हमारी सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। नहीं, मैंने आपसे कहा कि आप लोगों के मार्फत और लोगों के मार्फत जो जानकारी आई है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, तो निश्चित तौर पर ऑक्सीजन जो खत्म हुआ, जो व्यक्ति जो पहले सप्लाई करता था, लेकिन वो तुरंत सप्लाई कर दिया। जो आप स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक में सिलेंडर्स ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं, जो उसके जो मार्केट के सिलेंडर है। तो मुझे लगता है कि मैंने कहा कि आपसे निश्चित तौर पर ये मौत अति संवेदनशील है, मौत को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, मौत बच्चों को हुई है। और जिन लोगों के नेतृत्व में व्यवस्था में जो खराबी है या लापरवाही से हुई है, वो जांच करा के निश्चित तौर पर उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कराने वाले हैं। तो सुना आपने कि ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन फिर ये मौतें क्यों हुई? 11 अगस्त को 30 मौतें, 9 अगस्त को योगी का दौरा, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों के बाद सवाल यही पैदा होता है कि इन मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? एक तरफ सरकार जो लगातार ये कहती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, मुख्यमंत्री यहां गए भी थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लापरवाही किसकी रही? प्रशासन ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन तो अवेलेबल था, अगर था तो फिर ये मौतें कैसे हुई? इसका जवाब कौन देगा? सीएमओ समाचार पत्र के साथ बातचीत में झूठ बोलते हुए नजर आए, ये कहते हुए नजर आए कि ऑक्सीजन की कमी के चलते ये मौतें हुई ही नहीं है। एक तरफ प्रशासन ये भी कह रहा है कि व्यवस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन अपग्रेड करने से होगा क्या? अगर अवेलेबल था ऑक्सीजन तो फिर ये मौतें हुई कैसे? बड़ा सवाल खड़ा होता है। देश की सबसे दर्दनाक खबर हम आपको बता रहे हैं, गोरखपुर से आ रही है, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज जिसका इतिहास लापरवाहियों से भरा रहा है, और अब एक और लापरवाही, ये बड़ी लापरवाही जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऊपर से प्रशासन इस पूरे मामले में लेपापोती करने में जुटा है, मेडिकल कॉलेज और जिला प्रशासन मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं सीएमओ रविंद्र भी। समाचार प्रेस के साथ बातचीत में सीएमओ ने झूठ बोला, कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, इस तरह कोई मौत नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इंसेफ्लाइटिस से 8 से 10 मौतें होती रहती हैं। तो क्या प्रशासन 8 से 10 मौतों को छोटी बात मानता है? क्या 10 मौतें प्रशासन की नजर में कुछ नहीं? 48 घंटों में 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये तो वो आंकड़ा है जो अभी शुरुआती तौर पर निकलकर सामने आ पा रहा है। ये आंकड़ा, ये तादाद, ये संख्या और बढ़ सकती है। अब जांच की बात कही जा रही है, जांच होगी, जांच कहां तक पहुंचेगी ये बात का सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इन मरीजों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या जांच के बाद इनकी जिंदगी वापस लौट आएगी? क्या परिजन जो अपने अपनों को खो चुके हैं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते, जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते, क्या वो अपने अपनों को वापस पा सकते हैं? इन तमाम सवालों के बीच दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो परिजन जो अपने अपनों के साथ दिन रात जागकर इस उम्मीद के साथ अस्पताल में मौजूद थे कि आखिर उनका अपना ठीक होकर यहां से घर लौटेगा, लेकिन इस बीच शायद इस बात से अनजान कि अस्पताल प्रशासन को इस मौत से कोई लेना देना नहीं है, लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, तभी तो ऑक्सीजन की कमी होती रही और अस्पताल प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा, मरीज सांसें गिनते रहे, तड़पते रहे। तो देश की सबसे दर्दनाक खबर पर सतीश महाना की आंखों में आंसू नहीं। आपको बता दें 30 बच्चों की मौत पर भी बोलने को तैयार नहीं है सतीश महाना। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सतीश महाना इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं, उनके लिए विभाग का मामला नहीं है, इसलिए वो इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोलेंगे। 30 मौतों की जिम्मेदार आखिर कौन है? देश की सबसे दर्दनाक खबर पर सतीश महाना की आंखों में आंसू नहीं। प्रशासन से लेकर शासन तक हर कोई
इस पूरे मामले पर संवेदनहीन दिखाई दे रहा है। एक तरफ जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन मामले में लीपापोती में जुटा है, जिसकी चूक के चलते 30 लोगों की जान चली गई। और उस पर सतीश महाना से इस पूरे मामले पर जब सवाल पूछा गया तो उनकी आंखों में आंसू नहीं, 30 बच्चों की मौत पर बोलने को तैयार नहीं। और दलील देखिए, तर्क देखिए, बेहद शर्मनाक वो ये कि उनके विभाग का मामला नहीं है। तो समाचार बस के सुलगते सवाल, 30 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? अस्पताल में हुई लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? सवाल कई पैदा हो रहे हैं इस बड़ी लापरवाही के सामने आने के बाद। इंसेफेलाइटिस वार्ड की ऑक्सीजन सप्लाई आखिर कैसे रुकी, कैसे ऑक्सीजन की कमी होने दी गई, कैसे नहीं मिली ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये भी, ऑक्सीजन का बकाया भुगतान आखिर क्यों नहीं किया गया? आखिर क्यों था बकाया भुगतान? ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? ये तमाम सवाल हैं जो समाचार प्लस पूछ रहा है। सवाल ये भी है कि अस्पताल ने वैकल्पिक इंतजाम आखिर क्यों नहीं किया? अगर पता था कि ऑक्सीजन की कमी होगी, बकाया भुगतान नहीं किया है, मरीजों का क्या होगा, तो फिर एहतियातन कदम क्यों नहीं उठाए गए? जान लेने वाली कंपनी पर अब आखिर क्या कार्रवाई होगी? सवाल ये भी पैदा होता है, क्यों ना अस्पताल का लाइसेंस रद्द हो? क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे सिद्धार्थनाथ सिंह? स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार ये दावे करते रहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे उसकी कोशिश में हम जुटे हैं, फिर तस्वीर इतनी बदरंग क्यों? आखिर कैसे 48 घंटों में 30 लोगों की जान चली गई? मरीजों की जान वो भी इसलिए क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही बरती, ऑक्सीजन की कमी होने दी गई। समाचार प्लस ये सुलगते सवाल पूछ रहा है, आखिर इन 30 मौतों का जिम्मेदार कौन है? कैसे नहीं मिली ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी? तो गोरखपुर से देश की सबसे दर्दनाक खबर हम आपको बता रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? अस्पताल ने वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किया? अगर पहले से पता था कि ऑक्सीजन की कमी होगी, पेमेंट नहीं की गई है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई है, तो क्या जान देने वाली कंपनी पर कार्रवाई होगी? सवाल ये भी खड़ा होता है, क्यों ना अस्पताल का लाइसेंस रद्द हो? तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, 30 बच्चों की मौत के बाद बेनकाब हो रहे यूपी के बेशर्म मंत्री। जी हाँ, सतीश महाना के बाद रमापति शास्त्री की बेशर्मी, कहा गोरखपुर से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये सुनिए, बेहद शर्मनाक तर्क, गोरखपुर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जनाब बोलने से बचते हुए नजर आए। पहले सतीश महाना और उसके बाद अब रमापति शास्त्री, बेशर्मी की हद देखिए। देश में 30 लोग मर गए हैं गोरखपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से, और ये नेता है कि इन्हें कोई लेना देना नहीं है मरीजों की मौत से, लोगों की मौत से, 30 बच्चों की मौत के बाद भी ये बेतुके और बेशर्मी भरे तर्क सतीश महाना के बाद रमापति शास्त्री ये कहते हुए नजर आए कि गोरखपुर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 30 बच्चों की मौत के बाद बेनकाब हो रहे हैं यूपी के बेशर्म मंत्री। सतीश महाना ने कहा कि ये मेरे विभाग का मामला नहीं है। 30 मौतों पर एक आंसू भी नहीं सतीश महाना की आंखों में। तो उधर रमापति शास्त्री भी बेतुका तर्क देते हुए नजर आए, कहा कि गोरखपुर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 30 बच्चों की मौत के बाद बेनकाब हो रहे हैं यूपी के बेशर्म मंत्री, इनकी आंखों में आंसू नहीं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ आलोक पांडे की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, 30 बच्चों की मौत पर मंत्रियों की आंखों में आंसू तक नहीं, बेशर्मी भरे बयान और तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। सतीश महाना कह रहे हैं मेरे विभाग का मामला नहीं है, रमापति शास्त्री कह रहे हैं कि मुझे गोरखपुर से लेना देना नहीं है। बिल्कुल, देखिए यार, एकदम संवेदनहीन हो चुके हैं तो ये दोनों मंत्री की, जहां तक बात की जाए, और उन बच्चों की मौत पर शोक भी जताना नहीं समझा और बड़े इत्मीनान से कह दिया कि नहीं, मुझे मेरा विभाग नहीं है, इसने कहना दूसरे का आपका ये कहना था गोरखपुर से हमको कुछ लेना देना नहीं। तो मतलब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री दोनों वक्त मानती है दोनों, और दोनों संवेदनहीनता ज्ञाते एकदम सामने आपको दिखाई दे रही है। इन्हें ये भी साफ करना होगा ये मंत्री कहाँ के हैं। आलोक, बिल्कुल देखिए, मंत्री हैं एक एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। नहीं बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मंत्री होने जो होता है वो मंत्री का हो जाता है, और यही एक व्यवस्था भी यही है कि एक मंत्री को दूसरे जिले का या दूसरे मंडल का चार्ज दिया गया है, वहाँ के प्रभारी मंत्रियों के रूप में भी करे जाने की व्यवस्था की गई है, ताकि
किसी के भी क्षेत्र में जाके वो लोग काम करें, लोगों का सुख दुख बांटें और मंत्रियों से लोगों का जो एक रिश्ता है वो मजबूत हो। लेकिन इन लोगों की जो बयान दोनों ने बयान से तो ऐसा लग रहा है कि 30 बच्चे मर गए, सांसें थम गई, मंत्रियों को इस पर कोई दुख नहीं है, मंत्रियों को इससे कोई लेना देना नहीं है, उनकी आंख में जरा भर भी आंसू नहीं है। बिल्कुल सही कह रही जाती है। देखिए दोनों मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि ये मेरा मामला नहीं है, संबंधित मंत्री से बात करिए, संबंधित मंत्री फोन नहीं उठा रहे हैं और दूसरे विभाग के जो मंत्री हैं वो इलाहाबाद में हैं, कल वहाँ पे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, वहाँ पे उनके कार्यक्रमों की तैयारियां कर रहे हैं। तो पूरा तरीका ये है कि जो बच्चे जिनकी डेथ हुई, अभी तक कोई भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या कोई भी ऐसा उस विभाग से संबंधित या कोई प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की बात कर लिया जाए, कोई मिनिस्टर है भी नहीं है जो गोरखपुर अब तक पहुंचा हो, जो गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। और अभी जब कल मुख्यमंत्री गए थे तो वहां पर उन्होंने अनियमितताओं के चलते लंबी एक लोगों की को हटाया था वहां पे, एक लंबे अधिकारियों को, कई अधिकारियों को वहां से निपटा भी दिया था। उसके बाद भी अगर इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं तो निश्चित बात है कि संवेदनहीनता पूरी तरीके से सामने आ रही है, आंख का पानी मर चुका है। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उसके बाद भी लापरवाही हो रही है, तब तो जाने का फायदा क्या। आलोक, स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? 48 घंटों में एक के बाद एक 30 मौतें होती चली गई, स्वास्थ्य मंत्री भी कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए स्वास्थ्य मंत्री की बात किया जाए तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जब बात किया तो नोएडा में स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्होंने इस चीज की कोई भी अभी तक कोई भी खबर भी नहीं लिया है, ना ही वो किसी भी मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री ने कोई आदेश भी नहीं जारी कि इन इसमें किसी गलतियां हैं उसको भी नहीं, उसके संबंध में भी नहीं कहे। और लेकिन आलोक, ये तो संज्ञान का मसला ही नहीं है, संज्ञान का मसला ही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को बनाया किस लिए गया है? अस्पताल प्रशासन अगर किसी भी तरीके की दिक्कतों से जूझ रहा है तो वहां पर कंप्लेन होनी चाहिए, उनके बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए, कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। ये तो सीधा सीधा सामंजस्य का भी गैप कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी जो चीज है कि एकदम मिस कम्युनिकेशन, पूरी तरीके से कम्युनिकेशन का लैक है, हर तरफ से कम्युनिकेशन का पूरी तरीके से लैक है यात्री। और आपको बता दें कि किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई, कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है कि इन बच्चों की मौत हुई, इन पे किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई की जाए, कोई किसी भी तरीके का कोई कदम भी उठाया जाए। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज है यात्री, वो मंत्रियों की जो संवेदनहीनता है वो लगातार वो निकल कर सामने आ रही है। आलोक, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत थी भी तो अस्पताल प्रशासन को सीधे शासन से बात करनी चाहिए थी, कम से कम इन 30 बच्चों की मौत तो नहीं होती। देखिए बिल्कुल, 60 लाख रुपए का मामला था, 60 लाख रुपए का पेमेंट जो जाना था, जो एजेंसी गैस की सप्लाई करती थी, ऑक्सीजन की सप्लाई करती थी, बहुत बड़ी रकम नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए 60 लाख रुपए। और खास तौर से अभी तक उस एजेंसी पर भी, हालांकि उस एजेंसी को भी इस तरीके के कृत्य नहीं करने चाहिए कि बच्चों की जिंदगी को देखते हुए, बच्चों की जिंदगी पे दांव लगाते हुए जो सप्लाई उन्होंने वापस ले ली, इन सारी पूरी चीजों पे पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है कि क्या कार्रवाई की जाएगी या किस तरीके का एक्शन का प्लान किया जा रहा है। जी बिल्कुल आलोक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि संज्ञान तो बाद में लेंगे, जांच तो बाद में होगी, पहले इस पूरे मामले पर रिएक्शन तो सामने आए। गोरखपुर में ऑक्सीजन खत्म होने से 30 मौतें हुई हैं, ये दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं, जिस पर शासन और प्रशासन की संवेदनहीनता लगातार सामने आ रही है। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज की घोर लापरवाही, देर रात ऑक्सीजन खत्म होने से 30 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें आईसीयू में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और एआर वार्ड में 8 मौतें हुई हैं। बीते 48 घंटे में 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रशासन के साथ मिलकर अब दीपा पोती में जुटा है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन खत्म होने की बात दबाने में जुटा है ताकि हकीकत सामने ना आ जाए। ऑक्सीजन खत्म होने से मौतों की बात दरोगा ने भी बताई, चीजें खुल रही हैं लेकिन प्रशासन तब भी लिपा पोती में जुटा है। मेडिकल कॉलेज में तैनात दरोगा ने इस बात की पुष्टि की है कि ऑक्सीजन खत्म होने के चलते मौत हुई है। 9 अगस्त को सीएम गोरखपुर गए थे, सीएम के जाने के बाद भी ये हाल, 69 लाख रुपए का बकाया भुगतान, यानी ये बहुत बड़ी रकम नहीं है न शासन के लिए और ना ही प्रशासन के लिए। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों सप्लाई रोक दी गई, फर्म ने बकाया ना देने पर सप्लाई रोक दी। और आपको बता दें इसके चलते मरीजों की मौत हो गई। बीआरडी में अभी भी सिलेंडर्स की भारी किल्लत बनी हुई है, जबकि प्रशासन ये दावा कर रहा है कि सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं।
मृतकों की तादाद अभी और बढ़ सकती है क्योंकि अभी मसले की जांच नहीं हुई है। ये शुरुआती तौर पर आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। इस आंकड़े को भी दबाने में जुटा है प्रशासन। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज की घोर लापरवाही, इतनी दर्दनाक खबर पर ना प्रशासन और ना ही शासन का दिल पसीज रहा है। मंत्रियों के बेशर्मी भरे बयान सामने आ रहे हैं। सतीश महाना से हमने बात करने की कोशिश की, बोलने को कतई तैयार नहीं थे। ये कहते हुए नजर आए कि मेरे विभाग का मामला नहीं है। क्या 30 मौत पर उन्हें दुख नहीं है? सवाल ये खड़ा होता है। और ऐसा ही रुख रमापति शास्त्री का भी सामने आया। जब उनसे इस मसले पर बातचीत की गई तो वो भी दो शब्द बोलते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यानी इस पूरे मामले पर भी राजनीति, क्या गोरखपुर उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है? क्या यहां भी 30 मौतों पर क्षेत्रवाद करते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। समाचार पत्र का ही सवाल उठा रहा है। इस दर्दनाक इंसिडेंट के बाद, इस दर्दनाक घटना के बाद अस्पताल में हुई लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है? इंसेफलाइटिस वार्ड की ऑक्सीजन सप्लाई आखिर कैसे रुकी? सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर कैसे नहीं मिली ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी? यानी जिस पर ये जिम्मेदारी थी, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी तो फिर जानकारी क्यों नहीं दी गई? ऑक्सीजन का बकाया भुगतान क्यों नहीं था? जबकि 69 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा के तो घोटाले हो जाया करते हैं। सवाल यह भी कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले की जिम्मेदारी क्या नहीं बनती? सवाल यह भी पैदा होता है कि अस्पताल ने वैकल्पिक इंतजाम आखिर क्यों नहीं किया? जान देने वाली कंपनी पर क्या कार्रवाई होगी? यह भी एक अहम सवाल है। क्यों ना अस्पताल का लाइसेंस रद्द हो, वो भी इसलिए कि आखिर लोग मरते रहे, सांसें थमती रही, बच्चे दम तोड़ रहे थे, सांसें थम रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा था। ऑक्सीजन की कमी को मौत की वजह ना मानने वाले मौत की असली वजह क्यों नहीं बताते? लगातार सीएमओ की तरफ से भी हमने पूछने की कोशिश की तो कहते नजर आए कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन खत्म नहीं हुआ था। तो फिर 30 मौतें कैसे हुई? इसका जवाब कौन देगा? आखिर 30 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? समाचार पत्र के सुलगते सवाल, इन तमाम सवालों के इतर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर कोई भी दिक्कत थी तो शासन तक बातचीत होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत होनी चाहिए थी इस पूरे मामले को लेकर। कम से कम इतनी मौतें तो नहीं होती, क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा प्रशासन? और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संकेत, सवाल कई हैं, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 30 मौतों का जिम्मेदार कौन है? सीएमओ से हमने बातचीत करने की कोशिश की, सीएमओ हमारी बात पर ये झुटलाते हुए नजर आए, हमारी खबर को झुटलाते हुए नजर आए, कहते हुए नजर आए कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत नहीं हुई। तो फिर मौत हुई कैसे? इस सवाल का जवाब भी नहीं है उनके पास। बिल्कुल, देखिए बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इस तरह की घटना वाकई स्वास्थ्य विभाग को संसार कर रही है, साथ में उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी हाल में बजट अलाट हुआ है बाकायदा सारे अस्पतालों को, उसमें ऑक्सीजन का आखिर पैसा क्यों नहीं दिया गया? बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तरफ से ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब बजट आपके पास पहले से है, भी 35-35 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेजेस को दिए गए हैं यूपी के, और उसके बावजूद अगर वहां पे पैसा नहीं, जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है, वो भी अचानक ऑक्सीजन खत्म होता है, रूटीन प्रक्रिया है कि आईसीयू और तमाम ऐसे वार्ड हैं जहां पे गंभीर मरीज लाए जाते हैं, उनका ऑक्सीजन रूटीन प्रक्रिया के तहत चेक किया जाता है कि आखिर ये सिलेंडर खाली तो नहीं है, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑक्सीजन लाइन तो गड़बड़ नहीं है, ये सब बाकायदा चेक किया जाता है। एमसीआई की साफ साफ गाइडलाइन भी यही है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी यही कहना है कि अगर इस तरह की कोई लापरवाही, रूटीन चेकअप नहीं किए जाते हैं और कोई लापरवाही सामने आती है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और 2 घंटे तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिस तरह से काम चलाया गया और उसी दौरान बच्चों की मौत भी हो गई, तो इनके पास वैकल्पिक व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं थी, यही वो वजह है कि इतनी मौतें हुई हैं। और कहीं ना कहीं जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन, स्थानीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन तो है ही है, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना, हृदय विदारक घटना हो गई और अभी तक स्वास्थ्य मंत्री का कोई बयान नहीं आया। अमूमन ऐसे मामले में आगे आकर स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया है, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को आगे आकर बयान देना चाहिए था और जिस स्तर पर कमी हुई है तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, जिस कार्रवाई की बात भारतीय जनता पार्टी। संकेत हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव त्यागी जी, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे देश की सबसे दर्दनाक खबर,
बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज जहां ऑक्सीजन खत्म हो गया और पिछले 48 घंटे में 30 जानें चली गई। देखिए बड़े क्षोभ के साथ इस विषय पर मैं अपनी बात रखूंगा और निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा, पिछले 3.5 साल जब से मैं टेलीविजन करना शुरू किया है, मैं हमेशा उत्तर प्रदेश के मामले में गोरखपुर का एंसेफ्लाइटिस जब होता है तो उसको निश्चित रूप से उठाता हूँ, कहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कृपया उसको करिए जिससे किसी मासूम की मृत्यु ना हो। बच्चे जब मरता है, कोई बच्चे जब मरता है तो देश का चिराग जो है बुझने का काम होता है, 30 चिराग बुझ गए और हम अगर इसमें आप सपा बसपा या भाजपा की राजनीति करेंगे तो बुरी चीज होगी। जो भी माता पिता मुझसे सुन रहे हैं तो उनसे एक अपील करता हूँ, मत जाइए जुमलों पर, मत जाइए नारों पर, सरकार से सिर्फ ये सवाल पूछिए किसी भी पार्टी की सरकार हो कि उसने आपके लिए क्या किया, क्या वो बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे पा रही है, क्या वो बेहतर शिक्षा दे पा रही है, क्या वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रही है। तो मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं। सतीश महाना कह रहे हैं कि ये मेरे विभाग का मामला नहीं है। रमापति शास्त्री कह रहे हैं कि गोरखपुर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए जिस तरह के व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं तो उस पर एक ही बात कहूंगा, अज्ञानी होना बुरी बात है लेकिन अज्ञानी के साथ साथ अहंकार होना वो उससे भी बुरी बात है। तो अहंकार में न रहे, अहंकार में न रह करके निश्चित रूप से देश की जनता या प्रदेश की जनता की सेवा करने का जो मौका दिया प्रदेश की जनता ने उस सेवा करने का कार्य करें। राजा ना बने, हुक्म ना दें, जबकि हुक्म के अलावा निश्चित रूप से सर झका के सेवा करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अगर वो नहीं कर रही है और जुमले तराश रही है, लोगों को धार्मिक उन्माद में, राजीव त्यागी जी इतनी बड़ी लापरवाही के चलते जाने तो गई और अब स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है कुछ पता नहीं, क्या दौरों तक ही सिमट कर रह गए हैं वो? क्या 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 इसी तरह से वक्तव्य देख करके चाहे मैं हूँ, चाहे वो चैनल्स हो, चाहे वो नेतागण और हो जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, अपनी इतिश्री कर लेंगे कर्तव्य की? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा लेनी चाहिए कि कोई भी बच्चा मृत्यु को प्राप्त ना हो सरकारी लापरवाही में, और ये मिसाल बननी चाहिए। गोरखपुर का जो मामला हुआ है इसमें जैसी जांच होकर के कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति आगे आने वाले समय में लापरवाही ना कर सके। और भारतीय जनता पार्टी की राजीव त्यागी जी, क्या ये सिर्फ लापरवाही मानते हैं आप इस पूरे मामले को, जहां पर कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही, संगठित तरीके से सब कुछ हुआ, जानते थे कि नतीजा क्या होगा? ये आशय नहीं है, ये आशय नहीं। राजीव त्यागी जी आएंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो डीएम ने ही खोल दी मेडिकल कॉलेज प्रशासन की पोल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी। डीएम ने ही खोल दी मेडिकल कॉलेज प्रशासन की पोल। डीएम ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ा मसला था, जबकि सीएमओ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म होने से नहीं हुई है मौत, यानी सीधा सीधा झूठ समाचार पत्र के साथ। हालांकि जब हमने उनको आईना दिखाया तो उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। डीजी हेल्थ भी खारिज कर रहे हैं ऑक्सीजन खत्म होने से मौत, लेकिन उधर जिला प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई थी, जिसके चलते ये 30 मौतें हुई हैं। डीएम ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ इसमें जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जो बच्चे आते हैं, वो सबसे ज्यादा संख्या इसमें मरने की है, जो शाम को 7 बजे से लेकर अभी तक जो बातें आ रही हैं। और वो न्यू बॉर्न बेबी जो है वो कई कारणों से भी हो सकता है, कई कारणों से भी हो सकता है, मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन की कमी से भी मौत हो सकती है। तो सुना आपने, डीएम साहब ने साफ तौर पर कहा कि ऑक्सीजन कमी के चलते भी ये मौत हो सकती है, यानी ये वजह शामिल है, जबकि सीएमओ इसको नकारते हुए नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि कल रात 12 बजे से और अभी तक 7 कैजुअल्टी हैं, जिसमें 3 नियोनेटल यूनिट की हैं, 2 एईएस की हैं और 2 जनरल पीडियाट्रिक वार्ड की हैं। कुल 7 हैं कल रात 12 बजे से अभी तक, और 9:10 की रात 12 बजे से लेकर और कल रात 12 बजे तक 14 कैजुअलिटीज मोर्टेलिटीज एनएमयू में, यानी नियोनेटल यूनिट में है, 3 एईएस में है और 6 जनरल पीडियाट्रिक वार्ड में है। यानी आप ये कह सकते हैं कि परसों रात 12 बजे से लेकर अभी तक कुल 30 मोर्टेलिटी वहां पर हुई। बाकी जो कल रात में मौत हुई उनका इससे कोई रिलेटेड है ये बात स्पेसिफिक उन ऑफिसर से पूछी गई है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव ऑक्सीजन मौजूद थी, इसलिए ऑक्सीजन के लैक की वजह से कोई मृत्यु नहीं। सर बताया जा रहा है कि रात में अनिल फरन में एसएसपी और बाकी जो लोकल नर्सिंग होम है वहां से भी ऑक्सीजन मंगाया गया है, ये बात बिल्कुल सही है? तो ये चूक नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और ये बात क्योंकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कोई किसी के संज्ञान में नहीं लाए हैं, और जैसे ही ये सप्लाई बंद हुई होगी तो इन लोगों ने अपने स्तर पर कोई प्रयास किया होगा, और सुबह हमारी जानकारी पे आने पर फिर हमने
जो संत कबीर नगर में एक व्यवस्था है सिलेंडर्स को भरने की, वहां से भी इनका व्यवस्था करा दी है। और इस समय जो सिटी मजिस्ट्रेट ने हमको स्पॉट से बताया वहाँ 50 सिलेंडर्स वहाँ मौजूद हैं और लगभग 100-150 भी और आने। हम इसमें ये करेंगे कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जांच कराएंगे 24 घंटे में, जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हम ये अपेक्षा करेंगे 24 घंटे में कल शाम तक हमारे सामने लाए कि क्यों ये किस तरह से पेमेंट्स नहीं हो पाए, किस तरह से सप्लाई डिस्टर्ब हुई और क्या सप्लाई डिस्टर्ब होने के बाद से, जैसा कि हॉस्पिटल प्रशासन हमको बता रहा है मेडिकल कॉलेज का कि कोई डेथ नहीं हुई है, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे। ऑक्सीजन की कमी से भी इसमें कुछ मौके हुई हैं? नहीं, इसके लिए उन्होंने कैटेगोरिकली मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने मना किया है कि ऑक्सीजन की लैक या लैक ऑफ सप्लाई की वजह से इनमें से कोई डेथ नहीं हुई। चलिए तो चीजें निकल के सामने आ रही हैं। अब प्रशासन खुद मान रहा है कि ऑक्सीजन की कमी थी और आपको बता दें सीएमओ इस पर पर्दा डालते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजपाल कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी इस पर रिएक्शन के लिए। राजपाल जी, इस पूरे मसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? डीएम भी कबूल कर चुके हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी, उधर सीएमओ की तरफ से डीजी हेल्थ की तरफ से लगातार इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये घटना बहुत दुखद है। जिनके घर के लोग गए हैं, हम उनकी आत्मा की उनके लिए सांत्वना व्यक्त करते हैं, लेकिन सरकार सभी मामलों पे फेल है। आज चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, लगातार अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, ठीक से काम नहीं हो रहा। सरकार पता नहीं किस हड़बड़ी में काम कर रही है। सरकार व्यवस्थित तरीके से कोई काम ही नहीं कर पा रही, हर चीज पे फेल हो गई सरकार। बड़ा दुखद है। कम से कम स्वास्थ्य तो प्राथमिकता में होना चाहिए था, और जब तक स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिकता में नहीं होंगी तब तक ये प्रदेश के लोग बड़े बेहाल हैं। ये गोरखपुर की तो घटना सामने आ गई, कई जगह की घटनाएं हैं पूरे प्रदेश में, ऐसे हॉस्पिटलों में स्थिति है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि कम से कम स्वास्थ्य जो हर व्यक्ति की जरूरत है और वो तो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि सरकार, वर्तमान सरकार सभी मामलों में फेल है, केवल जुबानी जंग में आगे है, जुबानी जंग। राजपाल जी, ये तो इंसेफ्लाइटिस को लेकर झंडा बुलंद करते थे कि हम इसको लेकर कदम उठाएंगे, सरकार में आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये तो ऑक्सीजन से ही नहीं निपट पा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते ही लोग मर रहे हैं। जितना समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर से लेकर इंसेफ्लाइटिस के लिए 500 बेड की अलग से व्यवस्था करवा दी थी, एम्स की, एम्स तो जमीन दे दी, तो अब तो भारत सरकार क्यों नहीं बनवा रही वहाँ? तो जितना स्वास्थ्य के मामले में माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया था उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान की कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। और जितना स्वास्थ्य के मामले में दवाई निःशुल्क मिल रही थी, इलाज बड़ी गंभीर बीमारियों तक का इलाज फ्री में मिलता था बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, और बंबई भी भेजना पड़ता था तो बंबई तक इलाज कराते थे माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो ये केवल केवल बातों से इलाज भी करना चाहते तो बात से इलाज तो नहीं हो सकता। स्वास्थ्य मंत्री लगातार दौरे करने की बात कहते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात कहते हैं, लेकिन एक तरफ अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहां तक कोई जानकारी नहीं पहुंचती। कहा यह जाता है कि सिर्फ 69 लाख रुपयों का मसला था जिसके चलते फर्म ने ऑक्सीजन सप्लाई ठप कर दी। आपको लगता है कि ये तर्क भी कहीं गले उतरता है? अगर कोई कमी थी तो शासन तक बात की जा सकती थी, स्वास्थ्य मंत्रालय से बात की जा सकती थी इस पूरे मामले पर। जी बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी कोई व्यवस्था, क्योंकि इनके मंत्री, मुख्यमंत्री जब खाली बातों से ये लोग करेंगे तो सच्चाइयां तो सामने आने लगेंगी। हर मामले में बात से, जुबान से नहीं काम चलता, काम करना पड़ता है। हर चीज में गुमराह नहीं किया जाता। ये गुमराह करोगे या स्वास्थ्य विभाग, या जिस तरीके से अभी गड्ढा मुक्ति का, गड्ढा मुक्त हो जाएगा, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, मैं तो आज आ रहा हूँ जितने जितने बड़े बना रहे। चलिए राजपाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद तिवारी जो कि सांसद है कांग्रेस के। प्रमोद तिवारी जी, इस पूरे इंसिडेंट पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे आप? मेरा सीधा कहना है, 30 बच्चों की मौत, अगर हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद जी ऑक्सीजन ना होने की वजह से हुई है तो मैं इसे लापरवाही से हुई मौत नहीं मानता, मैं इसे सीधे सीधे हत्या मानता हूँ।
हम अगर किसी बच्चे को हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, मुख्यमंत्री जी के जिले के हॉस्पिटल में हम उसे एडमिट करते हैं, तो इस विश्वास के साथ ही करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल मेडिकल केयर उसकी होगी। यहाँ बेस्ट पॉसिबल केयर, यहाँ तो आपने ऑक्सीजन ही नहीं दी उसको। तो मैं तो यही कहूंगा कि इससे ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता जो हुआ है। ये हत्या हुई है, जिम्मेदार लोगों को। कई जगह सरकारी तो आपने भी चलाई है, आपको लगता है कि 69 लाख का मसला इतना बड़ा था, ये रकम इतनी बड़ी थी कि अब ये बकाया भुगतान नहीं हुआ, सप्लाई ठप कर दी गई? क्योंकि तर्क यही दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 69 लाख रुपया बकाया था फर्म पर, जो फर्म सप्लाई करती है। आपको लगता है ये तर्क गले उतरता है? देखिए, मैं एक चीज सीधे सीधे कहूंगा, अभी तो जांच का विषय है ये, किस लिए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, ये जांच का विषय है कि क्यों हुआ ये। अभी तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर 30 बच्चे अगर एडमिट थे और वो नहीं आए, मर गए हैं, तो फिर मैं इतना ही कह सकता हूँ ऑक्सीजन की उसे ये हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच दो तरह से होनी चाहिए, एक तो अपना ये करे जुडिशियल जांच इसकी, एक हाईकोर्ट का जज जांच करे इसकी और बताए, जिससे इन घटनाओं की पुनरावृत्त किसी और हॉस्पिटल में ना हो सके। मैं तुरंत इसमें जुडिशियल जांच की मांग करता हूँ, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। सतीश महाना से हमने बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे विभाग का मसला नहीं है। 30 मौतों पर इस तरह का बयान उनका, बहुत ठीक कहा उन्होंने। देखिए, ये बहुत ही सीधा साधा सा विषय है मेडिकल एजुकेशन का और स्वास्थ्य विभाग का, तो इन दोनों के मंत्री, या चूंकि मैं तो ये कहूंगा मुख्यमंत्री जी का जिला है, तो मुख्यमंत्री जी ही फीडबैक दे सकते हैं। अब दूसरे विभाग का मंत्री, मान लीजिए उसे जानकारी नहीं, अगर नहीं दे रहा है तो कोई गलत बात नहीं कह रहा है, वो जानकारी गलत दे दे तो आप उस पर इल्जाम लगाओगे कि गलत नहीं, तो जानकारी हम क्यों देंगे? प्रमोद तिवारी जी, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए सरकार में अगर कोई है तो। सतीश महाना जैसे गद के नेता को क्या ऐसा बोलना शोभा देता है? आप भी क्या फेवर कर रहे हैं? रहिए हमारे साथ, बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, इतना बड़ा इंसिडेंट, सतीश महाना कह रहे हैं कि मेरा विभाग नहीं है इसलिए नहीं बोलूंगा, उधर रमापति शास्त्री ये कहते हुए नजर आए हमसे कि गोरखपुर से मेरा कोई लेना देना नहीं, 30 मौतों पर क्या इस तरह का बयान शोभा देता है? वो भी उस पार्टी के लोगों को जिसकी सरकार है, उनमें से मंत्री भी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब इतना संवेदनशील कोई मसला हो तो संवेदनशील मसले पर बिना कोई जानकारी के कोई जो बयान करना, ये और भी ज्यादा गलत होगा। बशर्ते कि आप अगर जानकारी नहीं है तो आप अपनी इस बात को कह दें कि हमें जानकारी नहीं है। अभी तो मुझे प्राप्त जानकारी हुई अधिकारियों के माध्यम से कि किसी की भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है पूरे पूर्वांचल का, पूरे पूर्वांचल के कई जिलों से वहां पर बहुत सारे मरीज आते हैं, और केवल पूर्वांचल से ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार से और नेपाल से भी वहां पर मरीज आते हैं। बहुत ओवर बर्डन रहता है, 900 बेड है वहां पर, और वहां रोज ही बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनकी जान बचाने की पूरी कोशिश करने के बाद इलाज के लिए आते हैं ना, जीने के लिए आते हैं कि मरने के लिए आते हैं? अगर नेपाल से भी लोग आते हैं यहाँ पर इलाज के लिए, तो मैं इसीलिए आपको, मेरे आपने बीच में बात मुझे रोक दिया, मैं इसीलिए कह रहा था कि बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनकी जान बचा पाना मुमकिन नहीं हो पाता है, और कई सारे लोगों की दुखद मृत्यु रोज हो जाती है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज का यदि उदाहरण लेंगे तो हर मेडिकल कॉलेज में रोज ही कुछ न कुछ मृत्यु, लाखों प्रयास करने के बावजूद, डॉक्टरों की सारी उपस्थिति के बावजूद, दवाइयां होने के बावजूद हो जाती है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी के अनुसार कल 23 मौतें हुई थी, 7 मौतें हुई है। प्रमोद तिवारी जी, 48 घंटे में 30 मौत, छोटी बात है क्या? ऑक्सीजन की कमी से नहीं है। आपसे किसने कहा छोटी बात है? आप तो ऐसे सवाल पूछती हैं जैसे मुझे सीधे जिम्मेदारी देनी होगी। आप जरा सा थोड़ा सा जब अपने पे नियंत्रण रखा कीजिए। मैंने आपको ये जवाब दिया, नहीं आपने राकेश त्रिपाठी जी को सुना, वो कह रहे हैं कि नेपाल से भी लोग आते हैं। आपको भी सुना। मैं इस बात पे कायम हूँ कि सतीश महाना जी ने अगर कहा है कि उनका विभाग नहीं है तो ठीक कहा है, ऐसे संवेदनशील विषय में बिना जानकारी प्राप्त किए, मैं मंत्री रहा हूँ दूसरे के विभाग में, कैसे आप जानकारी दे देंगे? हाँ, मुझे संवेदना व्यक्त करनी चाहिए इन बच्चों के साथ, दूसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देना चाहिए, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन क्या है बिना प्राप्त किए उसे कभी बयान नहीं करना चाहिए। मैं इस पे एक जुडिशियल जांच की मांग करता हूँ, जो दोषी हूँ उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करता हूँ। ये फिर मैं दोहराता हूँ, ये लापरवाही से मौत नहीं बल्कि ये बच्चों की हत्या है।
जी राकेश त्रिपाठी जी, उधर रमापति शास्त्री जी से भी बातचीत की गई, वो भी यही कहते हुए नजर आए कि गोरखपुर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 30 मौतों पर क्षेत्रवाद। नहीं देखिए, मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि रमापत शास्त्री जी को यदि जानकारी नहीं है तो उन्होंने अगर ये कहा मुझे जानकारी नहीं है तो ये ज्यादा बेहतर है, बसरते अगर बिना जानकारी के ऐसे संवेदनशील मसले पर कोई भी गलत बात कही जाए। मैं इसको जवाबदेही के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। राकेश जी, मीडिया थोड़ी जानकारी देगा क्या सरकार को? सरकार सत्ता तो आप ही को सौंपी है। मैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं जवाबदेही के साथ बता रहा हूँ कि अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिली है, प्राथमिक जानकारी के आधार पर ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। ये अलग अलग वार्डों में अलग अलग प्रकार के मरीजों की मृत्यु है। राकेश जी चलिए, ये भी जानकारी हम ही से ले लीजिए आप। बिल्कुल नहीं, डीएम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी। नहीं, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई है ऐसा नहीं कहा है उन्होंने। ऑक्सीजन की कमी होना एक अलग विषय है और ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु होना ये दूसरा विषय है। ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो जाएगी ऐसा नहीं है, बहुत सारी बीमारियों में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है और बहुत सारी मृत्यु बिना ऑक्सीजन की कमी के भी हो जाती है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए आप हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है और मृत्यु जो भी हुई है वो सब ऑक्सीजन से हुई है, ये बातें दोनों जोड़ करके देखना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए ऐसे संवेदनशील मसले पर। बिल्कुल नहीं जोड़ रहे हैं, बिना साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी। मैं इतना जरूर आश्वस्त कर देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके देख रहे हैं सभी दर्शकों के सामने, इस बात को जरूर जिम्मेदारी के साथ कह देता हूँ कि यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई है, किसी भी प्रकार की उपेक्षा हुई है तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इसके लिए बचेगा नहीं, उस पर कठोरता से कार्रवाई होगी। आपने स्वयं देखा है कि महाराजगंज में राकेश जी जो आप कह रहे हैं मान भी लेते हैं, एक बड़े अधिकारी राकेश जी मान भी लेते हैं, पर ये तो बताइए आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई कि 48 घंटों में 30 मौतें हो गई? आप किसी भी मेडिकल कॉलेज का दूसरा सर्वे देकर के बता दीजिए कि वहाँ पर लगभग औसत कितनी मृत्यु रोज होती है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि 900 बेड का वो मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ी संख्या वहाँ पर आती है और ऐसे बड़े मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, वहाँ मृत्यु हो जाया करती आम है। बात है पहले, पहले नहीं, ये आम बात आज की, आप आम बात है खास बात है कहकर के इसको संसदीय केस पर बनाइए। एक भी मृत्यु अगर किसी उपेक्षा की वजह से हुई है, लापरवाही की वजह से हुई है तो पूरी ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है। लेकिन अगर ये मृत्यु सामान्य ढंग से हुई है, जिनको डॉक्टर के प्रयासों के बावजूद नहीं बचाया